सगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत हरिहरपुर गांव में आज एक दलित महिला के अंतिम संस्कार को ले जाते वक्त अपनी जमीन का हवाला देते हुए दबंगों ने रास्ता रोक दिया, जिसके बाद परिजनों के द्वारा दलित महिला के शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया गया। तब मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अमले ने मामले को शांत कराते हुए गांव में शवों के अंतिम संस्कार के लिए अलग से व्यवस्था कराई। प्रशासनिक लापरवाही कहें, ग्रामीणों की संवेदनहीनता कहें या दलितों की बदनसीबी, 21वीं सदी में भी लोगों को अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए भी इस तरह की समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। रीवा जिले के सगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत हरिहरपुर गांव में आज उस वक्त असहज स्थिति निर्मित हो गई जब एक दलित महिला के अंतिम संस्कार दबंगों ने उसका रास्ता रोक दिया, जिसके बाद आदिवासी परिवार उग्र हो गया और शव को सड़क पर रख कर चक्का जाम कर दिया गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने मामले को शांत कराने की कोशिश शुरू कर दी और मौके पर ही प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा गांव वालों के लिए अलग से अंतिम संस्कार करने के लिए जमीन का आवंटन भी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि हरिहरपुर गांव में बीते कई वर्षों से अंतिम संस्कार के लिए लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। भूमिहीन लोग इस बात को लेकर कई बार समस्याओं का सामना कर चुके हैं, क्योंकि पूरे गांव में अंत्येष्टि के लिए कोई शासकीय जमीन आवंटित नहीं की गई थी, जबकि राज्य सरकार के द्वारा हर एक ग्राम पंचायत में श्मशान स्थल बनाए जाने की योजना भी शुरू की थी, लेकिन जिम्मेदार इस श्मशान घाट को भी नहीं बना सके। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन की घोर लापरवाही और उपेक्षा के चलते वर्षों से उन्हें इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आज जब दलित परिवार ने प्रदर्शन का रुख किया तो प्रशासन की आंखें खुली और मौके पर ही इसका निराकरण करने की कोशिशें शुरू हुई। लेकिन बड़ा सवाल अभी यही है कि क्या आपने अपने हकों के लिए लोगों को हर बार प्रदर्शन की ही आवश्यकता पड़ेगी या प्रशासनिक अधिकारी अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन लोगों को परेशान किए बिना भी करते रहेंगे। नहीं, ये जानकारी में आया था कि एक बुजुर्ग महिला है करीब 90 साल के आसपास की साकेत समाज की, जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनका सब अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे परिजन लोग, तो एक रास्ते को लेकर कुछ विवाद था, तो उसमें से बार बार चीज़ें आ रही थी। पहले भी इस तरह की आए थे, जो अभी थाना प्रभारी से जानकारी मिले उसमें तहसीलदार मौके पहुंच गए थे और साथ में SDM साहब पहुंच गए थे, हमारे DSP हेडक्वार्टर साहब भी मौके पर पहुँच गए थे और मामले को सॉर्ट आउट कर दिया गया है। SDM साहब के द्वारा हरिहरपुर गाँव के पास में जो बॉर्डर पड़ता है वहाँ पर उनको जमीन आवंटित कर दी गई और वहाँ प्रक्रिया जारी है और लोगों ने वहाँ जाके उनका अंतिम संस्कार करने का वो प्रक्रिया कर दी थी, जो मुझे जानकारी मिली थी, और वो मामला सुलझ गया है।